अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, यम्मी स्टफ विद ललिता में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं गर्मियों की बहुत ही स्पेशल डिश, यानी कि आज हम बनाएंगे आम से बहुत ही यम्मी मैंगो कस्टर्ड। इसको बनाना बहुत ही ईजी है और ये बहुत ही यम्मी होता है। तो आइए मैंगो कस्टर्ड बनाना शुरू करते हैं। मैंने आधा लीटर दूध लिया है और इसके अलावा मैंने लिया है 250 ग्राम आम, जिसका पल्प मैंने निकाल लिया है। इसके अलावा मैंने लिए हैं 2 छोटे चम्मच कस्टर्ड पाउडर, आधा कप शक्कर, शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, थोड़े से बादाम लिए हैं बारीक कटे हुए, थोड़े से पिस्ता लिए हैं बारीक कटे हुए गार्निश के लिए, और थोड़े से आम मैंने काट के अलग रख लिए हैं गार्निश के लिए। तो सबसे पहले आम को एक मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। मैंने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया है क्योंकि ये थोड़े से सॉफ्ट आम है। अगर थोड़ा सा सख्त आम आप ले रहे हैं तो आप उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लें। तो ये देखिए पेस्ट इसका तैयार हो चुका है। आपको इस तरीके का थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो अब हम इसको एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। अब हम कस्टर्ड पाउडर ले लेते हैं और कस्टर्ड पाउडर को भी घोल के तैयार कर लेते हैं। कस्टर्ड पाउडर को आप गर्म दूध के अंदर बिल्कुल भी ना घोलें, नहीं तो उसके अंदर लम्प्स पड़ जाएंगे। इसको आप रूम टेम्परेचर पर जो दूध हो उसी के अंदर घोल के तैयार करें, और इसके अंदर भी बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होने चाहिए, तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो कस्टर्ड पाउडर भी तैयार हो चुका है। तो अब हम कढ़ाई में डाल देते हैं दूध, और दूध को अब हम अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। शक्कर को हम साथ में ही डाल देते हैं ताकि दूध के उबलने के साथ साथ ये भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। अब हम हाई फ्लेम पर दूध को उबलने देंगे। ये देखिए दूध के अंदर उबाल आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे। कस्टर्ड पाउडर डालने से पहले एक बार इसको वापस अच्छी तरीके से हिला लें और उसके बाद में कढ़ाई के अंदर इस पेस्ट को डालें। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद में इसको लगातार चलाते रहें और फ्लेम को बिल्कुल कम कर लें। आपको इसे कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से चलाते रहना है ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो ये देखिए मुझे इसको चलाते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और इसके अंदर अच्छा सा उबाल आ चुका है और ये थोड़ा गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे आम का पल्प। आम का पल्प डालने के बाद में फ्लेम को कम ही रखेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि इसके सारे लम्ब्स निकल ना जाएँ। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत जल्दी सारे लम्ब्स निकल जाएंगे। तो ये देखिए सारे लम्ब्स निकल चुके हैं, अब इसके अंदर बिल्कुल भी लम्ब्स नहीं हैं। तो अब हम इसको एक उबाल आने तक इसको लगातार चलाते रहेंगे। तो ये देखिए इसके अंदर काफ़ी उबाल आना शुरू हो चुका है, तो हल्का सा इसको और उबलने देंगे। तो ये देखिए अच्छी तरीके से इसमें उबाल आ चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसको एक बाउल में निकालकर रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख लेते हैं। 3 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। तो अब हम छोटी बाउल्स के अंदर इसको डालेंगे।
और इसके बाद में जो आम हमने पहले से कटे हुए अलग रखे हैं उससे हम इसको गार्निश करेंगे। आम से गार्निश करने के बाद में अब हम इस पे थोड़े से बादाम डाल देते हैं। और इसके बाद में इस पे थोड़े से पिस्ता डाल देते हैं। तो ये देखिए मैंगो कस्टर्ड बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ। ये देखिए दिखने में भी ये कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये रेसिपी आप अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुँच पाए।